ओम नमः शिवाय जय महाकाल आप सबको पता है कि वैसाख का बहुत ही पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है और इस पूरी वीडियो में हम लोग चार बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा वैसाख के महीने में इनमें से कोई भी एक उपाय आप जरूर करिएगा ठीक है तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे आपको बेल के फल से करना होगा दूसरा उपाय आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके करना होगा जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी तीसरे उपाय की बात करेंगे माता लक्ष्मी के लिए आपको कमल गट्टे से उपाय करना है और चौदह उपाय आपको एक दीपक से करना होगा ठीक है इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से बहुत ही प्यार से बताऊंगा सिर्फ सुनते जाएं समझने की कोशिश करिएगा ठीक चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि आपको बेल के फल से उपाय को करना होगा है ना कहो कि भैया बेल के फल से उपाय करेंगे इसका फायदा तो पहले बता दो देखो अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा आप मतलब आप लोग के दिन की शुरुआत ही ना मेडिसिन खा के होती है दवा खा के होती है ना इस उपाय को जरूर करिएगा वैशाख का महीना चल रहा है महादेव को जो बेल का फल है ना वो बहुत ज्यादा प्रिय है, क्या करना एक बेल का फल ले लेना ठीक है आज के टाइम पे सीजन चल रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में बेल का फल आपको मिल जाएगा दस बारह रुपए में ठीक है एक बेल का फल लेना ठीक उस एक बेल के फल को पूरे वैसाख के महीने में जिस भी दिन आपको इच्छा हो पूरे वैसाख के महीने में किसी भी एक दिन सुबह जाना चाहो सुबह जाओ शाम को जाना चाहो शाम को जाओ महादेव के शिवलिंग के पास जाना उनके महादेव के शिवलिंग के पास में कहीं पर भी चाहो तो शिवलिंग के ऊपर या फिर आप चाहो तो टच करा के नीचे रख दो तो, कहीं पर भी महादेव के शिवलिंग के पास में उस बेल के फल को रखना ठीक है रखने के बाद महादेव से प्रार्थना करना महादेव हमारे घर में ये व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं आप किसी भी तरीके से इनकी बीमारी को दूर कर दें और ये हमेशा निरोगी रहे ठीक है कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना उसके बाद जब आप इस बेल के फल को उठाएंगे तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं उठा लेना है आपको महादेव से प्रार्थना करनी है फिर से महादेव ये बेल का फल मैंने हाँ पर समर्पित किया है चढ़ाया है आप इसको औषधि बना दें आप इसको दवा बना दें जिससे जो व्यक्ति हमारे घर का बीमार है वो ठीक हो जाए ठीक है इस तरीके से उनसे प्रार्थना करके उनसे इस बेल के फल को मांगने हैं ठीक है एक मांगना है झोली फैला के उसके बाद इस बेल के फल को उठा लेंगे वहां से ठीक उठाने के बाद आप उसको लेके अपने घर चले जाना कहोगे भैया खाएं क्या जी हां खाना तो है लेकिन कब खाना है ये सुनो आप कहोगे भैया महादेव की चढ़ी हुई चीज खाते नहीं है आपने औषधि मांगे महादेव से लाई है दवा तो आप ही सकते हैं ठीक तो आप क्या करेंगे उसको लेके जाना घर पर उसको संभाल करके रख देना चाहे तो फ्रिज में रख दो या फिर कह कहीं कहीं पर भी कि खराब वो ना हो रख दिया फ्रिज में जब वैसाख का महीना खत्म हो जाए पूरे वैसाख के महीने में आपको उस फल को नहीं खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है उसको संभाल के रख दो फ्रिज में या फिर कहीं पे जब वैसाख का महीना खत्म हो जाए जिस दिन ख़त्म हो उसके अगले दिन मान लो कि बीस तारीख को ख़त्म हो रहा है एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे इक्कीस तारीख को फ्रिज में से निकालोगे उसको तोड़ोगे और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा जो भी व्यक्ति कुंदकेश्वर महा के नाम से उस बेल के गूदे को चाहो तो कुछ भी बना लो रस बना लो कुछ भी बना लो अब खा लो ठीक है जो भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसकी जो भी भी होती ना, आपको पार्थिव शिवलिंग का उपाय करना होगा है ना मैंने क्या बताया कि जो पवित्र महीना है ना यह वैसाख का महीना महादेव को वैसाख का महीना और सावन का महीना बहुत प्रिय है आपकी कोई है मनोकामना है बहुत दिनों से दूरी है पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही है ना इस काम को करिएगा ठीक देखो क्या करना आपको जाना होगा वैशाख के महीने में किसी भी एक दिन जिस भी दिन आपका मन करे जिस भी दिन आपकी इच्छा हो ठीक है चले जाना कहां पे बेल पेड़ के, के नीचे और बेल पेड़ के नीचे जाओगे तो जो बेल पेड़ की मिट्टी होगी इसी मिट्टी को निकालोगे और बेल पेड़ के नीचे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे ठीक है इस जैसे भी आप कर सकते हो आप अपने हिसाब से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना ठीक है निर्माण करने के बाद वहां पर अच्छे से बैठ करके पूजन अर्चना करना और पूरे परिवार का हर सदस्य ऐसा नहीं कि दो लोग कर रहे हैं दो लोग नहीं कर रहे हैं वैसे ये तो अपने मन के ऊपर होता है लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करना अपने घर में कि सभी लोग एक बार आकर के उनके ऊपर जल को चढ़ा दें वैसाख के महीने में अगर परिवार का हर सदस्य पार्थिव शिवलिंग एक ही बनाए और हर परि मतलब पूरे परिवार का हर सदस्य आके उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कर देता है उसका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है कभी भी घर में कोई भी तकलीफें नहीं आती अगर कोई मनोकामना अधूरी रह जा रही है तो वो मनोकामना भी पूरी जरूर हो जाएगी ठीक है तो इस उपाय को तो जरूर करना होगा पूरे वैसा के महीने में आप इस उपाय को कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद पूजन अर्चना करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को ले जाकर के कि किसी नदी तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना ठीक है बात आई समझ में दो उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है आगे बढ़ते हैं हम लोग कमल गट्टे से उपाय करने के लिए है ना देखो मैंने आपको ये उपाय बहुत बार मैक्सिमम टाइम बता रखा है क्योंकि जो माता लक्ष्मी होती है ना उनको कमल गट्टे बहुत प्रिय हैं अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है पैसों को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं ना वैसाख के महीने में जब भी महादेव को जल चढ़ाओ जब भी किसी भी दिन जल चढ़ाओ क्या करो एक कमल गट्टा ज़रूर लो ठीक है एक कमल गट्टा लो और उस कमल गट्टे को तांबे के लोटे में डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण चढ़ाना स्टार्ट कर दो ठीक है पूरे वैसाख भी महादेव को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाऊंगी या फिर चढ़ाऊंगा मैं एक कमल गट्टा उसमें डाल करके जल को चढ़ाऊंगी ठीक है आपको उस कमल गट्टे को बार बार यूज नहीं करना है एक बार आपने चढ़ा दिया उसको वहीं पर छोड़ देना है कहोगे भैया हमें कमल गट्टा मिलेगा कहां पर देखो कमल कमलकट्टा बहुत सस्ता आता है बहुत ज़्यादा सस्ता किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे ना आपको 10 से 12 रुपए में 20-25 मिल जाएंगे ना इतने में तो आपका पूरा महीना कवर हो जाएगा ठीक है लेके आओ चढ़ाना स्टार्ट करो उसके बाद वैसाख का महीना खत्म होगा ना आपको खुद फर्क नजर आएगा कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है ठीक है तो बहुत ही पवित्र महीना होता है महादेव को बहुत प्रिय है वैसाख का महीना इस उपाय को ज़रूर करिएगा ठीक चलो आगे चौथे उपाय की हम लोग बात करते हैं कि आपको एक दीपक से करना होगा ठीक है देखो समझिएगा सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय का काम क्या है जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी कितनी भी बड़ी बीमारी होगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट होंगी ठीक है लेकिन इस उपाय को करने का नियम है क्या नियम है पहला नियम तो इस उपाय का यही है कि इस उपाय को किसी और दिन नहीं करते सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन करते हैं जैसे कल है शुक्रवार का दिन और कल है वैसाख का पहला दिन तो इस उपाय को तो जरूर करना होगा अगर आपको बीमारी को

नोट कर लें आप चाहे तो स्क्रीन ले लें उस महामित्र महामृत्युंजय मंत्र का आपको एक बार कम से कम चाहे तो दो तीन बार कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार जब जरूर करना है जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उससे करा करके देख लीजिए उसकी बीमारी जब बैसाख का महीना खत्म होगा कैसे दूर हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो इस उपाय को जरूर करना है महामृत्युंजय मंत्र उस बीमार व्यक्ति से जरूर बुलवाना है कहो भैया बीमार है वो बेड पर पड़े कैसे बोल पाएंगे आप तो अलग ही बात करते हो ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर में है तो आप क्या करेंगे उस व्यक्ति के लिए इस काम को खुद कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो कल इस उपाय को तो जरूर करिएगा मैंने कोशिश की आप सभी को चार बहुत ही प्यारे उपाय बताने की जो कि आपको वैशाख के महीने में जरूर करने चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे महादेव की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे ठीक है तो अगर कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट में आप सभी लोग पूछ सकते हैं मुझसे फोन पर बातें करनी है इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए द नेचुरल प्लैनट वन जीरो आवाज जो भी लोग पहली बार सुनते चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हां आप लोग वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हैं वीडियो लाइक जरूर किया करिए ओम नमः शिवाय जय महाकाल